like be patient, love children, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि हमें बच्चों से बहुत प्यार करना है, चाहे वो चुनाव कोई काला है, चाहे कोई गोरा है, चाहे किसी ने कुछ मतलब नीडन पेन वो मतलब क्या हो जाते हैं कि गर्मियों के दिन पूरा वेट ये वो, फिर भी हमें क्या रखना है, फर्स्ट पॉइंट देन है ट्रीट इक्वल, नॉट लाइक दैट कि वो ऑफिसर चाहिए. हमारे में तो है ही है ना कि अलग अलग मतलब रिलीजन के बच्चे आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, तो उनके साथ इक्वल ट्रीट करना है हमें. किसी को ये नहीं लगता. सम टाइम मतलब जो जब मैं आई थी नई नई तो मुझे दो तीन लड़कियां बहुत पसंद थी, मैं उनसे बात करती थी और बाकी बच्चे देखते थे, मुझे कुछ नहीं बोलते थे. क्या हुआ जब मीडियम कंडक्ट हुआ, क्योंकि मैं आई थी एक हाई लेवल से लो लेवल में, मतलब कि 9-10 पढ़ाकर फिर मैं आई LKG में. उससे क्या हुआ कि मुझे दो तीन लड़कियां मतलब दो तीन की बातें करती थी और मुझे बहुत अच्छी, मैं उनसे बात करती थी और बाकी देख रहे थे. पीटीएम पर बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे बोला जब फर्स्ट पीटीएम, क्या बात मैम आप मतलब हमारे बच्चे बोलते हैं कि आप मैम बात नहीं करते हैं हमसे. मराठी नहीं आती है, इधर आ जा बैठ कॉफी ला, ये
उनको उनकी भाषा में नोट करना चाहिए अपनी डायरी पर, उनको कुछ दिन के लिए वैसे ही बुलाना चाहिए उनका। इवन हम लोगों का भी अच्छा है ना, हर लैंग्वेज हमें लर्न हो जाएगा। तो हमें मतलब हमें ज्यादा जितना हो सके हमें क्रिएटिव बनना है। आंध्रा में बच्चे आते थे ना, तेलुगु बच्चे, तो हम लोग हाँ बोलते नीरू नीरज से समझ नहीं आता, प्रिंसिपल ने हमें बताया अच्छा नीरू इज वाटर, पानी के लिए नीरू बोलेगा या बोलेगी, तो उनको देना है पानी। तो मतलब उन्होंने तो बोला है कि पीपीटी टीचर्स जो होते हैं वो पूरी उम्र बच्चों को याद रहते हैं और रहते हैं, उनका एक फेस उनके सामने रहता है कि नहीं। नेक्स्ट है ट्रस्ट द चाइल्ड एबिलिटी, टीचर को भी ट्रस्ट करना चाहिए। मेक देम फील सेफ एंड सिक्योर, उनको ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए क्लासरूम में कि उनको फील ऐसा हो कि मैं सेफ हूँ, ये सब होना चाहिए बच्चे को करना चाहिए। पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं ये चॉकलेट टीचर को लेगी, दीदी को लेगी, लास्ट टाइम मैंने सफर किया है ये सब कुछ, बट नहीं उन्होंने बोला है नहीं बिल्कुल नहीं, उसको खड़ा करो कि दीदी देखो मैम कैसे मूव कर रही है, देखो इसको ऐसे खोलना है ऐसे खोलना है, एक दो बार नहीं आएगा बच्चा, मतलब थर्ड टाइम वो सीख जाएगा। Even we should also teach the child, even the child, how to open the pages. Thank you.